जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 के बारे में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। यह वीडियो बिहार STT 2019 के अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी बिहार STT के अभ्यर्थियों के लिए भी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी विभागीय संकल्प संख्या 1021 दिनांक 5/7/2013 के अनुसार बात करें तो माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायत में, अर्थात सभी पंचायत में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। इससे यह बातें स्पष्ट होती हैं और न्यूज़ के माध्यम से भी यह स्पष्ट हो चुकी है कि 8386 पंचायत में मध्य विद्यालय को अपर ग्रेड हो या फिर विद्यालय विहीन पंचायत में स्थापित किए गए हैं, अर्थात 8386 पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं, जो कि 24 अगस्त 2020 के न्यूज में यह दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 8386 माना जा सकता है इस तरह से। और आगे बात कर लेते हैं विद्यालय विहीन पंचायत, इसमें स्थापित 2950 हैं। और इधर बात कर लेते हैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या की, तो 2676 हैं। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं, इसमें बताया गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों को, तो इसको भी अपग्रेड करके बनाया गया है उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो ऐसे में भी आप लोग जान सकते हैं कि 201 ऐसे विद्यालय हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो 2676 और 2950 ऐड करेंगे तो इतने उत्क्रमित या फिर कुल मिलाकर विद्यालय हैं जहां प्रधानाध्यापक की बात की गई है नियुक्ति होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ऐसे भी आप लोग जान सकते हैं। वैसे बात करें कि 24 अगस्त 2020 न्यूज़ के अनुसार तो 8386 उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें से 5082 पहले से थे और बाद में 3000 स्थापित किए गए हैं। तो इस तरह से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानाध्यापक की बहाली आप लोग जाने होंगे न्यूज़ के माध्यम से भी। कुछ न्यूज़ में यह बताया गया है कि 6300 के करीब हैं और तो कुछ न्यूज़ में बताया गया है 5300 के करीब हैं। वैसे इस तरह से भी आप लोग ऐड कर सकते हैं 2676 और 2950। 2676 में से 201 हैं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय को अपग्रेड करके उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो इस तरह से भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो यही जानकारी है जो कि बिहार STT 2019 के अभ्यर्थियों को भी जानना है, जिससे आप लोगों को आगे आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी रिक्तियां देखने को मिल सकती है विद्यालय की संख्या को देखते हुए। वैसे आजकल के न्यूज में यह भी चर्चा में है कि 9361 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। वैसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं 8386 ग्राम पंचायत में हैं और कुल मिलाकर जिला परिषद में या फिर इधर, तो कुल मिलाकर अनुमान लगा सकते हैं 9361 के करीब विद्यालय का। तो आगे बात कर लेते हैं, इसमें ऐसे में आप लोगों को बहुत सारी वैकेंसी रिक्तियों पर बहाली देखने को मिल सकती है बिहार STT 2019 के अभ्यर्थी, चाहे STT CS के हों या फिर STT SST सोशल साइंस के अभ्यर्थी हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण है यह वीडियो और सभी विषय के अभ्यर्थी के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभी विषय की बात करें तो सभी विषय में सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की मानी जा सकती है, इन दो विषयों में भी पक्की हो सकती है। जैसे कि विद्यालयों की संख्या आप देख सकते हैं और सभी में, सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में जैसे एक एक कंप्यूटर के शिक्षक हों, तो उस तरह से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में इस पर बात करने वाले हैं, इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वैसे काफ़ी लंबा वीडियो जा सकता है। वैसे बात कर लेते हैं आगे कि यह नियमावली के बारे में बताया गया, यह नियमावली बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली है। यह नियुक्ति से सेवा शर्त तक के बारे में बताया गया, नियमावली 2021 है और संपूर्ण राज्य में इसका विस्तार होगा। आगे देख लेते हैं, इसमें सरकार से, तो बिहार सरकार उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय से का मतलब देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित, तो यह हो गया उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय का मतलब देख लेते हैं क्या है। तो इसका मतलब यह बनता है कि राज्य सरकार के संकल्प 1021, हाँ वही बात चर्चा की गई है कि सभी पंचायत में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए, तो यही बारे में बताया गया है। और आप लोग डेट भी दे सकते हैं, तो डेट आप लोग देख चुके होंगे। तो आगे बात कर लेते हैं कि माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो दो बातें निकल कर आती है, या फिर मध्य विद्यालय से अपग्रेड किया हो गया हो, या फिर माध्यमिक विद्यालय से। तो आप लोग जान चुके हैं अपग्रेड किया गया विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालयों की संख्या 2676 है और विद्यालय विहीन पंचायत में 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या 2950 के करीब बताए थे, वही है 2948 बताया गया। तो 2676 और 2948 आप ऐड कर सकते हैं। तो यह बातें आप लोगों को स्पष्ट हो चुकी होगी। तो इसके लिए आप लोगों को यह वीडियो देखना बहुत जरूरी था। माध्यमिक विद्यालय से बताया गया है कि आप लोग जो कि CBSE ICSE का भी हो या फिर ये सभी भी योग बताया गया होगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जिला परिषद का मतलब भी आप लोग पढ़ सकते हैं, नगर निकाय से भी आप लोग जान सकते हैं कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ये सभी बातें की गई है। उसके बाद संवर्ग पढ़ सकते हैं, उसके बाद आगे आप लोग पढ़ लेंगे, ये सभी बातें वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। शिक्षक से अभिप्रेत है, यह सभी बातें आप लोग पढ़ेंगे ही। तो आगे देख सकते हैं, तो शिक्षक के बारे में देख लेते हैं। तो शिक्षक के लिए आप लोग जान सकते हैं कि एक होगा कक्षा 9 से 10 तक के शिक्षक होंगे, या फिर बात कर लेते हैं आगे 11 से 12 तक के शिक्षक होंगे। तो दो तरह के शिक्षक देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रधानाध्यापक का मतलब भी आप लोग जान सकते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी प्रधानाध्यापक की बात की गई है। तो इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हैं। आगे देख लेते हैं NCT के बारे में बताया गया, उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में भी जानते हैं कि 9th-10th के लिए भी आयोजित होता है और 11th-12th के लिए भी आयोजित होता है बिहार सरकार द्वारा, तो यह भी जानते ही हैं। उसके बाद यह भी देख सकते हैं कि यह बताया गया है कि प्रशिक्षण के बारे में, तो BEd, BAed, ये सभी बातें आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आयोग में आप लोग जान सकते हैं BPSC, बिहार लोक सेवा आयोग। उसके बाद प्रधानाध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, तो सीधी नियुक्ति ही होगा, अब प्रमोशन क्या कोई बात नहीं है, प्रमोशन की कोई बात नहीं है। तो यही बातें स्पष्ट हुई है। उसके बाद प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु बताया गया है कि अनिवार्य अर्हता क्या है, योग्यता क्या है, तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, तो यह बातें की गई है। उसके बाद आगे भी देख लेते हैं, बताया गया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ, यह बताया गया कि PG डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री हो, या फिर आप लोग यह भी देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति मतलब हो गया SC ST, बात कर लेते हैं EBC, OBC, दिव्यांगजनों और महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब EWS, इन सबों को 5% का छूट मिलेगा, छूट दिया जाएगा। तो मानकर चल सकते हैं 45% पर इन सबों का अप्लाई कर सकते हैं। यह बातें स्पष्ट होती हैं और आप लोग समतुल्य योग्यता पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि बताया गया है कि BEd होना चाहिए, BAed होना चाहिए, या फिर BSc Ed उत्तीर्ण होना चाहिए, तो ये सभी बातें हैं। उसके बाद वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना, तो ये भी बातें की गई है। तो चार कंडीशन इधर बन गया। अब आगे बात कर लेते हैं अनुभव के बारे में। अनुभव के बारे में बताया गया कि माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष लगातार सेवा। उसके बाद ये सभी बातें हैं कि CBSE हो या फिर ICSE के बात करें या फिर BSE भी हो, इस सभी से यदि है तो माध्यमिक शिक्षक के लिए 12 वर्ष लगातार। उसके बाद आप लोग दो बातें देख ले राज्य सरकार का जो है, तो राज्य सरकार का माध्यमिक शिक्षक पद के लिए 10 लगातार 10 वर्ष से लगातार अनुभव हो, माध्यमिक शिक्षक के पद पर जो कार्यरत हैं उसका 10 वर्ष का अनुभव, और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर जो भी राज्य सरकार के विद्यालय में हैं तो उसके लिए हैं
8 वर्ष का अनुभव। उसके बाद बाकी आप लोग आईसी बात करें तो सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर ये सभी बोर्ड का आप लोग देख लेंगे, और जो हैं सिर्फ बिहार राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के अनुभव के बारे में बता दिए हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं आयु की, तो आयु आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि 31 वर्ष और अधिकतम 47 वर्ष की बात की गई है, तो ये सभी बातें स्पष्ट होती हैं। उसको आरक्षण के बारे में भी बताया गया है, तो आरक्षण भी जानते हैं कि रोस्टर आरक्षण रोस्टर होता है, तो रोस्टर में आप लोग के बारे में बात करें तो उच्च माध्यमिक विद्यालय हो या फिर बिहार के किसी भी पोस्ट के लिए बात करें तो देखते हैं, जैसे कि एसटीटी में भी वैकेंसी डिटेल्स का वीडियो अपडेट किए थे तो उसमें यह बातें किए थे कि आप लोग जान सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, उसके बाद बात कर लेते हैं बीसी कैटेगरी के लिए 12%, उसके बाद बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए 16%, उसके बाद ईबीसी के लिए 18%, उसके बाद एसटी के लिए 1% है और महिला के लिए है 3%, जो कि पिछड़े वर्ग की महिला हैं। तो इस तरह से बातें स्पष्ट होती हैं, तो 10, 12, 18, 10, 12, 16, 18, 3, 1, ठीक है, इतना परसेंट आरक्षण है। उसके बाद क्षेत्रीय आरक्षण के बारे में बात करें तो 35% महिलाओं के लिए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं क्षेत्रीय आरक्षण का, तो दिव्यांगजनों के लिए 4% है, 4% है दिव्यांगजनों के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं 2% स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता ये सभी के लिए हैं, पोता पोती ये सभी के लिए हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया आप लोग देख सकते हैं, तो यही आरक्षण के बारे में बताया गया, रोस्टर जारी होगा, तो ये सभी बातें हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया से पहले विज्ञापन आएगा बीपीएससी की तरफ से, और 150 क्वेश्चन होंगे और 150 अंक के होंगे, एक क्वेश्चन एक अंक का होगा और वस्तुनिष्ठ होगा, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और एक गलत के लिए आपको 1/4 0.25 का निगेटिव मार्किंग होगा, 2 घंटे का समय होगा। तो ये सभी बातें की गई हैं और सिलेबस भी निर्धारित किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। तो आगे बात करने वाले हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है, यह भी बातें स्पष्ट होगी विज्ञापन के द्वारा, बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन आएगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या बातें की है, प्रमाण पत्रों की जाँच होगी, तो जी बिल्कुल जाँच होगी, ये सभी बातें आगे हैं, आप लोग एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद ये सभी बातें होंगे। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं परिवीक्षा अवधि के बारे में बताया गया कि 2 वर्षों का होता है, जैसे कि आप लोग शिक्षक के पद पर भी देखते हैं कि 2 वर्षों का होता है, जिसको आप लोग मानकर चल सकते हैं कि जिसको क्या कहा जाता है प्रोबेशन पीरियड, हाँ यही कहा जाता है शायद। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं परिवीक्षा, हाँ परिवीक्षा कहा जाता है, परिवीक्षा की अवधि 2 वर्षों का होगा, प्रोबेशन इंग्लिश हो गया प्रोबेशन पीरियड। उसके बाद आगे देख लेते हैं विभागीय परीक्षा भी होगा, तो विभागीय परीक्षा का भी बारे में बताया गया है, और संपुष्टि का मतलब आप लोग जान चुके होंगे कि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सेवा में संपुष्टि की जा सकेगी। जी बिल्कुल सही बात है। संपुष्टि के बाद आगे देख लेते हैं वरीयता सूची के बारे में बताया गया है, वरीयता सूची भी आप लोग पढ़ सकते हैं। स्थानांतरण के बारे में भी बताया गया कि प्रधानाध्यापक का पद भी स्थानांतरण होगा इसमें भी, तो इसके बाद आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या बातें स्पष्ट होती है, तो बातें स्पष्ट यह होती है कि अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में बताया गया है, तो आप लोग यह वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये सभी बातें पढ़ लीजिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, अभी ये सभी बातें एग्जाम के बाद का है। अनुकंपा के बारे में बताया गया है, मतलब सेवा काल के बीच में यदि मृत्यु होती है तो ये सभी बातें की गई हैं। आचरण संहिता के बारे में बताया गया है,
उसके बाद शिकायत एवं अपील के बारे में बताया गया है। ये सभी बातें कुछ इम्पोर्टेंट खास है नहीं, ठीक है।